न्यूरोपैथिक पीड़ा ए एवी पीड़ा है कि जे संकेतो वहन करती चेताओं ने नुकसान पहुंचाड़े छे। आ चेताओं मगज, करोड़रज्जु अने शरीरना घेरावामां हाजर छे। न्यूरोपैथिक पीड़ाए बळतरा, झणझणाटी अथवा इलेक्ट्रिक आघात जेवी पीड़ा छे। ते खूब ज हलका स्पर्श द्वारा शरू थई शके छे। केटलीक वार कपड़ा अने बेडशीट्स द्वारा पण एक पीड़ादायक उत्तेजना उत्तेजना प्रत्ये वधु प्रमाणमां पीड़ा उत्पन्न करे छे। हळवी पीड़ादायक उत्तेजनाथी गंभीर पीड़ा थई शके छे। असरग्रस्त विस्तार में संवेदना गैरहाजर अथवा असामान्य है। पीड़ा संकेतों माटे जवाबदार चेताओं ने नुकसान पहुंचवाने कारण न्यूरोपैथिक पीड़ा थाय छे। नुकसान तेमने हाइपर एक्टिव बनावे छे। तेओ खूब संवेदनशील बने छे अने तात्कालिक रीते पीड़ा संकेतों पैदा करी शके छे, जे सामान्य रीते पीड़ा रहित अथवा हळवी पीड़ादायक परिस्थितिओं में पीड़ा पैदा करे छे। मगजने असर करती परिस्थितिओं में दाखला तरीके स्ट्रोकना पगले करोड़रज्जु, दाखला तरीके मल्टीपल स्केरोसिस, ट्रांसवर्स माइलिटिस अथवा आसपासनी चेताओं, दाखला तरीके हर्पिस झोस्टर पछी डायाबीटीस थी थती न्यूरोपैथी, फेंटम अंग, सायटिका, ट्रायजेमिनल न्यूरेटिका पीड़ानी चेताओं ने नुकसान थई शके छे। मगज अथवा करोड़रज्जुमांथी उद्भवेली पीड़ा सामान्य रीते जे घेरावा परथी उद्भवती होय छे तेनी सरखामणीमां वधु तीव्र अने सारवार माटे मुश्केल होय छे। न्यूरोपैथिक पीड़ानी सारवार माटे उपयोग में लेवाती दवाओं में नीचेनानो समावेश थाय छे। गेबापेंटिन अने प्रेगाबेलिन जे घणी वखत हुमलाना उपचार माटे उपयोग में लेवाय छे। कार्बामाजेपाइन हुमला विरोधी दवा पण ट्राइगेमिनल न्यूराल्जियानी सारवार माटे वपराय छे। एंटीडिप्रेसेंट दवाओं नॉर्टिप्टिलाइन, डेसिप्रामाइन, ड्युलोस्केटाइन अने वेनलाफेक्सिन वेनलाफेक्सिन अने ड्युलोस्केटिन ने वृद्ध व्यक्तिओं में पसंद करवामां आवे छे अथवा जेओने उच्च प्रमाण में एकाग्रता की जरूर होय छे, कारण के तेओने वधारे ऊँघनी आवश्यकता ओછી होय छे। लिग्नोकेइन पेचो दर्दियों में हर्पिस झोस्टर ने अनुसरीने पीड़ा ने दूर करवा माटे स्थानिक रीते तेनो उपयोग करी शकाय छे, जे हळवा स्पर्श साथे पीड़ा अनुभवे छे। ओपियोइड्स जेवा मोर्फाइन अने ट्रामाडोल जेनो उपयोग एकला अथवा उपरनी दवाओं साथे करी शकाय छे। अन्य दुखदायक परिस्थितिओनी तुलना में ओपियोइड्स न्यूरोपैथिक पीड़ा में आटला असरकारक नहीं। नर्व ब्लॉक्स, स्पाइनल कॉर्ड उत्तेजना, पेरिफेरल नर्व स्टिम्युलेशन केटलीक प्रक्रियाओं है जे केटलाक किस्सा में जरूरी होई शके छे। न्यूरोपैथिक पीड़ा भावनात्मक धोवाण अने नियमित कार्यों ने असर करी शके छे। जीवन की सारी गुणवत्ता माटे दवाओं उपरांत सपोर्ट प्रणाली की जरूर होई शके छे। पीड़ा ने कारण हलनचलनों अभाव सांधाओं ने जकड़ी राखे छे। शारीरिक अने व्यावसायिक उपचारों जेवा उपचार पीड़ा ने पहोंची वळवा, स्नायुओं ने मजबूत करवा अने नियमित प्रवृत्तिओं अथवा कार्य चालू राखवा माटे सहाय करे छे। सहायक उपकरणोंनो उपयोग आजूबाजू जवा अने कार्य करवा माटे थई शके छे। राहत तकनीको अने योग ए पीड़ा ने दूर करवामां पण मदद करी शके छे, परंतु डॉक्टरनी सलाह लेवाया पछी ज तेनो स्वीकार करवो जोईए। ते स्वीकारवुं आवश्यक छे के पीड़ा रहेवानी छे। हकारात्मक रहेवुं अने जीवनमां आगळ वधवुं। मानसिक तकनीकों उदाहरण तरीके ज्ञानात्मक वर्तणूकीय थेरपी पीड़ानु संचालन करवामां हकारात्मक वलण जाळवी राखवा अने नियमित प्रवृत्तिओ अने सामाजिक क्रियाप्रतिक्रियाओमां जोडवामां मदद करे छे। एस्प्रिन अने इबुप्रोफेन जेवी ओवर ध काउंटर दवाओ सामान्य रीते न्यूरोपैथिक पीड़ा ने दूर करता नथी अने लांबा समय सुधी तेनो उपयोग करवाथी आड़असरो पैदा करी शके छे। तेथी मात्र डॉक्टरनी भलामण पर ज दवानो उपयोग करो। डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्सनु सूचन करी शके छे, जे चेताना कार्यने अने स्थानिक क्रीम के जे पीड़ाने दूर करवा माटे कैप्सासीन धरावे छे तेने सहाय करे छे। चेताना नुकसानथी पण संवेदनाने असर थती होवाथी असरग्रस्त भागने ईजा पहोंचती अटकाववा माटे काळजी लेवी जोईए। पगने मोजा अने आरामदायक जूताथी सुरक्षित करो। ज्यारे चोक्कस कार्यों दरमियान हाथना मोजानी जरूर पड़ी शके छे। ईजा, फोल्लाओ अथवा जाड़ी त्वचा माटे वारंवार पग अने हाथ तपासो अने जो हाजर होय तो तेमनी वहेली तके सारवार करो। ठंडा हवामान दरमियान खास काळजी राखो, कारण के ते चामड़ी सूकी अने क्रेक करे छे। डायाबीटीज अने हर्पीस झोस्टर जेवी परिस्थितिओ के जे न्यूरोपैथिक पीड़ा ने परिणमी शके छे तेनी पर्याप्त सारवार थवी जोईए। दारू अने धूम्रपान चेताओं ने नुकसान पहोंचाड़ी शके छे अने तेथी मर्यादित करवा अथवा टाळवा जोईए। संतुलित आहार पण लाभ करी शके छे, कारण के पीड़ा ऊँघ ने असर करी शके छे। तेथी ऊँघनी नियमितता सारी ऊँघ मेळववामां मदद करी शके छे। दिवस दरमियान अतिशय वामकुक्षी लेवानुं टाळो अने पथारी पर जता पहला ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણનો ઉપયોગ ટાળો. સૂતા પહેલા સંગીત સાંભળવા જેવી સુખદ પ્રવૃત્તિ સહાયરૂપ થઈ શકે છે. ગાદલા અથવા ઓશિકાઓની સ્થિતિ આરામ આપવા અને રાત્રે દુખાવો ઘટાડવા માટે ગોઠવો. ન્યુરોપેથિક પીડા દર્દીની શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક કાર્યક્ષમતાને અસર કરી શકે છે. ક્યારેક તેમને ચિંતા અને હતાશા તરફ ધકેલી જાય છે. તેથી દર્દીના મૂડ અને દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તેથી જો જરૂરી હોય તો મૂડ વિકૃતિઓનો ઉપચાર થઈ શકે છે. બીમાર વ્યક્તિ સાથે સતત વ્યવહારથી સંભાળ રાખનારનો જુસ્સો ઓછો થઈ શકે છે. પુનઃ ચાર્જયુક્ત થવા માટે અન્ય લોકો પાસેથી સહાય અને સમર્થન લો. હીટિંગ પેડ સાથે ગરમીના ઉપયોગ જેવી પીડા રાહત માટેની સરળ પદ્ધતિઓ અજમાવી જુઓ. ખાતરી કરો કે દાઝી જવાનું અટકાવવા માટે તાપમાન ખૂબ ઊંચું નથી. હીટિંગ પેડ અને ચામડી વચ્ચે પાતળો ટુવાલ મૂકવું વધુ સારું છે. વૈકલ્પિક રીતે હાથ અથવા પગ બોળવા માટે ગરમ પાણીનો બેસિન પૂરો પાડો. કેટલાક દર્દીઓને બરફ અથવા ઠંડા પેક સુખદ કરી શકે છે. બરફને ટુવાલમાં આવરિત કરવો જોઈએ અને પીડાદાયક ભાગ પર લગાડવો જોઈએ. દુઃખદાયક ભાગને નરમ મસાજ આપો. મસાજ પરિભ્રમણને સુધારે છે, સ્નાયુઓને આરામ આપે છે અને દર્દીને વધુ સારું લાગે છે. ન્યુરોપેથિક પીડા ધરાવતા દર્દીઓમાં સ્નાયુની નબળાઈ હોઈ શકે છે અને ઘણી વખત એવી દવાઓ હોય છે જે ઊંઘનું કારણ બને છે, જે પડી જવા માટેનું જોખમ વધારે છે. જો જરૂરી હોય તો તેમને લાકડી અથવા વોકર પૂરા પાડો. ઘરમાંથી અતિશય અવરોધ દૂર કરો. બાથરૂમમાં સ્કીડ ફ્રી સાદડીઓનો ઉપયોગ કરો. આધાર માટે રેલિંગ પૂરી પાડો. પીડાથી દર્દીને વિચલિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. દર્દીને ટેલિવિઝન અથવા વાંચન જેવા મનોરંજન સાથે જોડો. સામાજિક કાર્યો અને લોકો સાથેના સંપર્કમાં ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરો.